इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। दर्शकों, भिवानी वासियों की वर्षों से ये मांग रही है कि जो प्यारेलाल हलवाई है उसकी दुकान बहुत ज़्यादा अंदर होने की वजह से हमारा जो भिवानी शहर फैल चुका है, वे लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे और उनकी बड़े दिनों से ये मांग थी कि क्यों न प्यारेलाल हलवाई को एक ब्रांच हाँसी गेट, घंटाघर या रोहतक गेट या मैम गेट के ऊपर खोल लेनी चाहिए। उन सभी की मांगों को पूरा करते हुए आज हाँसी गेट पर प्यारेलाल हलवाई ने बहुत ही बड़ी ओपनिंग की है। आज 1 अगस्त 2024 भिवानी के इतिहास में यह तारीख लिखी गई है, क्योंकि इस दिन प्यारेलाल हलवाई हालू बाजार से यहाँ पर हाँसी गेट पर पहुँच गया है। इनकी एक ब्रांच जो मुख्य ब्रांच है वो वहीं है और यहाँ पर दूसरी ब्रांच खोली गई है। अब उत्तम क्वालिटी की वो मिठाइयाँ जिनसे यहाँ के जो बाहरवाई इलाका है भिवानी का वो महरूम रहते थे, वो उसका लाभ उठा पाएंगे। प्यारेलाल हलवाई के मालिक श्री विजय बंसल जी हमारे साथ में हैं, विस्तार से इनसे जानते हैं कि ये जो हालू बाजार है उससे जो हाँसी गेट का सफ़र है ये इतने दिनों में इन्होंने क्यों तय किया, पहले तय क्यों नहीं किया, क्या कारण है विजय भाई? लोग तो आपसे वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपको इतने साल क्यों लग गए? अमन जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्यारेलाल हलवाई शो पे पधारे, बड़ी दिल से खुशी हुई आपकी। उसके बाद जो आप ये सफ़र की बात करें सर, तो कोई भी काम सोच तो काफ़ी पहले जिद हमारी कि इसको हम हाँसी गेट पर स्थापित करें, लेकिन समय लगता है हर चीज़ में। जब वो भगवान की कृपा होती है ना, जब भी हो पाती है। लेकिन जब हम शॉप पे बैठते थे आलू बाजार में, तो हमारा कस्टमर आके हमें बार बार यही कहता था कि आप बाहर आओ हाँसी गेट पर, या कहिए आउट मतलब ऐसा खोलो जो मतलब एक शहर के मुख्य चौराहे पे हो या बाजार पे हो, ताकि वहाँ से आसानी से लेकर निकल सके। क्योंकि आलू बाज़ार में घुसने के बाद ही मतलब ऐसा हो जाता है गाड़ियाँ निकल नहीं पाती, आजकल व्हीकल बहुत ज़्यादा हो गए सभी के पास। तो ये चीज़ सब देखते हुए और जनता की भारी मांग को देखते हुए हमने स्टेप उठाया है, उसका परिणाम आपके सामने है। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ विजय भाई, भिवानी का ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं था जो यहाँ पर ना आया हो, बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने भी आकर के आपको शुभकामनाएं दी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इस अवसर पर, आज महाशिवरात्रि का दौर चल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप कितने खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, और जो लोगों का प्यार मिल रहा है, जो भाइयों का, जो शहरवासियों का, वो अपार प्रेम पहले भी मिलता था और अब भी मिलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने आज आके हमें जो आशीर्वाद दिया है उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आज ये दूसरी ब्रांच खुली है, मैं हमारे दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ, क्या आपकी जो मिठाई की जो वैरायटी है, क्या उसमें भी आपने कुछ सोचा अभी हम यहाँ कुछ नया देंगे, इस तरह से देंगे, या इस प्रकार का कोई नया आइटम यदि विचार हो, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। आइटम हमारे काफ़ी बढ़े हैं, अभी हमने काजू के आइटम काफ़ी बढ़ाए हैं, बादाम के आइटम बढ़ाए हैं, अंजीर के आइटम बढ़ाए हैं, जो मतलब काफ़ी आइटम बढ़े हुए हैं, ड्राई फ्रूट के आइटम बढ़ाए, ड्राई फ्रूट की टोकरियाँ, वो गिफ्ट हैम्पर, काफ़ी आइटम बढ़ाए हैं। और साथ में है ना, यहाँ पे स्टॉल वगैरह भी लगाई जाएगी, नमकीन के आइटम बढ़ाए गए हैं, ये सब चीज़ें का मतलब आलू बाजार से ज़्यादा वैरायटी रखी गई है। और आने वाले समय में हमारा सुबह नाश्ता का प्रोग्राम दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे भिवानी में कहीं भी अच्छा नाश्ता नहीं है, तो देसी घी का और मतलब सब्जी और पूरी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, जैसा कि विजय भाई ने बताया, भिवानी में पहली बार देसी घी का सुबह सुबह नाश्ता प्यारेलाल हलवाई की तरफ से हाँसी गेट पर कल से उपलब्ध हुआ करेगा। मेरी आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप एक बार आकर के इसका स्वाद लें और हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं आपको स्वाद कैसा लगा। विजय भाई, आज सारा दिन लोगों ने आपकी सब्जी की बहुत चर्चा की, और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने मुझे यह बताया, यदि वो दूसरों की सब्जी खाते हैं तो 3 दिन तक डकार आती है, लेकिन जब आपकी सब्जी खाते हैं तो अगले दिन पता नहीं लगता। तो ये जो आप प्यार मोहब्बत जो उसमें मिलाते हो, ये क्या है? सब्जी इतनी बढ़िया स्वादिष्ट कैसे बनती है? सब नेचुरल चीज़ें लगाते हैं हम, ये नहीं कि कोई बनावटी नकली चीज़ें लगाने का तो काम ही नहीं है, सिर्फ अपनी क्वालिटी पर ध्यान रखते हैं। बढ़िया घी, बढ़िया दूध लेना, उसका पनीर बनाना, आजकल पनीर की वैरायटी पता आपको कैसी कैसी मिलती है शहर में, हम अपना खुद दूध लेके पनीर बनाते हैं, खड़े मसाले लेते हैं सारे, और सारे जो फ्रूट वगैरह उसमें लगता है सारा मंडी से ताज़ा मंगाते हैं, यही है। और क्या मतलब क्वालिटी देनी है दर्शकों को, बढ़िया चीज़ें देनी है तो बढ़िया ही बनेगी, उसके अंदर हम क्वालिटी नहीं डालेंगे
हल्की चीज़ें डालेंगे तो हल्की मिलेगी, ये मेन बात है इसकी। सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप एक बार ऐसे गेट पे भी आए और आके हमारी क्वालिटी हमारी वैरायटी देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में आपको एक से एक मिठाइयों की वैरायटी और नमकीन में भी एक से एक वैरायटी जो आपको देखने में मिलेगी खाने में मिलेगी, ताकि आपके घर में कोई रिश्तेदार आए तो सुबह का नाश्ता भी आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा कि कहेंगे लोग वाह भी खा के तमन्ना खुश हो गई। तो विजय भाई ने जैसा कि बताया हाथी गेट पर जो इनका नया आउटलेट खुला, इसकी सबसे बड़ी एक खासियत मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, ये एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कल से भिवानी में यदि कोई आदमी सुबह नाश्ता करना चाहता है तो वो यहाँ पर आकर के कर सकता है। विजय भाई आपने अपना समय दिया, अपने विचारों से अवगत करवाया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद विजय जी का, सभी दर्शकों का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी हमारे जो यहाँ पे आज भिवानी के जो लोग गणमान्य लोग यहाँ पधारे, मैं उनका दिल से आभारी हूँ। और आज आपने जिस प्रकार से इस आउटलेट की ओपनिंग पर यूट्यूब को बुलाया, यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको ढेरों बधाइयाँ। हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि जल्द ही आपका एक नया आउटलेट और खुले और उसकी भी हम कवरेज करें। थैंक यू मंजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं जब छोटी सी थी, जब साइकिल पे भी हम लोग साइकिल चलाते थे, तब भी हमारे घर वाले ये बोलते थे कि जाके प्यारे लाल की हलवाई की मिठाई लेके आओ। तो हम लोग छोटे से बड़े हुए इनकी मिठाई खा के। बाजार में और भी प्रसिद्ध हलवाई हैं और मैं इतने दिन से वेट कर रही थी। अब ये है कि उनका पहले अंदर मार्केट में थी दूसरी ब्रांच, तो हम लोग पॉसिबल नहीं हो पाता था स्पेशल वहाँ जाना। अब ये हमारे ऑन रोड हो गई है, तो ये है कि हम लोग इजीली ले भी सकते हैं, यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। और इनकी मिठाई तो मतलब बाहर तक भी जाती है और ये तो खुद में एक ब्रांड बन चुके हैं। आपने कभी इनकी सब्जी का स्वाद लिया हो? क्योंकि प्यारेलाल हलवाई की जो सब्जी है वो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। इन वो सब्जी भी दूर तक मशहूर है और उनका जो गाजर पाक का टेस्ट है वो भी कोई मतलब उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, वो भी बाहर तक जाता है ना। इवन हमारे मेरे रिलेटिव्स हैं ना, वो भी मतलब आते हैं तो स्पेशल इनकी मिठाई मंगवा के गुड़गांव करनाल तक मतलब उनकी लेके आना, तो ये है इनका टेस्ट का तो कोई है ही नहीं मुकाबला। देखिए प्यारेलाल हलवाई की हम सब्जी मालपूड़े मैं रोहतक से हूँ मंगाते रहते हैं और हम यहाँ की जो मशहूर सब्जी है मालपूड़े है आपका पेड़ा है बड़ी फेमस चीज़ है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी हम भिवानी से मंगा के दिल्ली में भेजते हैं। यहाँ तक कि असम में भी हम इनकी जो मिठाइयाँ हैं देसी घी की बड़ी स्वादिष्ट हैं भेजते हैं और बड़े लोग इनके दीवाने हैं, बोलते हैं कि सब्जी है भाई भिवानी आए तो भाई भिवानी से भी सब्जी लेके आना, बड़ी टेस्टी है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, उसके अंदर शुद्ध देसी घी से बनाते हैं, उसमें जूस डालते हैं, तो बड़ा प्यार है इनकी सब्जी से। धन्यवाद। हम तो ये कहने चाहेंगे भैया हमारे भैयों के पिताजी का इनका काम वंश बढ़ रहा है, तो कारोबार भी बढ़ रहा है, खुशी से हमारे को खूब ये लेते हैं, खूब खुश रहे भगवान, इनको खूब फले फूल लगे मेरे भाई भतीजे सब, उनको भगवान खुशी दे, खूब परमात्मा और चौगुना आगे बढ़ाइए, समझे। हम तो बहुत दिन से इंतजार थे इन लोगों के, ये शोरूम खुल जाए हमारा, अब इनको भगवान कामयाब कर दे बस परमात्मा। आज का ये शुभ दिन है भिवानी वासियों के लिए, इनकी तीन पीढ़ियां इस मिठाई के कार्य में लगी हुई हैं। जो आलू बाजार में कार्य चल रहा था वहाँ गाड़ियाँ आने जाने में दिक्कत रहती थी, यहाँ आने से बिक्री भी बढ़ेगी और लोगों को इसका स्वाद भी मिलेगा। प्यारेलाल हलवाई की मिठाइयाँ भिवानी में मशहूर हैं। प्यारेलाल हलवाई जी की जो जूस की सब्जी बनती है, वैसे तो भिवानी में बहुत लोग बनाने लग गए, लेकिन प्यारेलाल हलवाई की सब्जी में एक अलग सा ही मिठास और अलग सी ही भावना आती है कि भाई सब्जी कितनी खाई जाए। इसको देश विदेश में सारे मंगवाते हैं और ये एक हमारी प्रसिद्ध भिवानी की सब्जी प्यारेलाल हलवाई की वजह से प्रसिद्ध हुई है। सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि ये भिवानी की बहुत प्रसिद्ध दुकान रही है आलू बाज़ार के अंदर इनके प्यारेलाल हलवाई के नाम से, और इनकी जो सब्जी है ना वो जूस वाली सब्जी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है इसकी। मेरे कई मित्र आदमी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, वो तो कहते भाई साहब कब आप बुलाऊँ आपको, आप ना बुलाओ ना, हम यहाँ पर प्यारेलाल जी की सब्जी खानी है, वो बड़ी मशहूर सब्जी है वो। तो इनकी दुकान इसी नाम से बड़ी मशहूर है कि भी प्यारेलाल हलवाई कौन सा है जो कि जूस की सब्जी बनाता है, तो बड़ी फेमस दुकान है पूरे भिवानी हरियाणा नहीं पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। इसके अलावा आपने कोई और गाजर पाक है या जैसे रसमलाई है किसी और मिठाई का कभी आनंद लिया हो तो उसके बारे में और बताएं? इनका तो लगा लो कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है
जो कि आदमी संतुष्ट ना हो। सीजनल आइटम बनती है, सर्दियों में गाजर बाग बनता है, ऑल वैरायटी बनती रहती है, कचौरी इनकी बड़ी मशहूर है। कौन सी मतलब इनकी जो वैरायटी बनती है वो एक्सेलेंट होती है, प्योर देसी घी के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं, प्योर देसी घी में इनकी सब्ज़ी बनती है और लोग लाइन लगा के खाते हैं। वहाँ पर पहले आलू बाजार की छोटी दुकान थी और इनको बड़ा शोरूम बनाया, इसके लिए हमारी सभी भिवानी वाले क्षेत्र से शुभकामनाएं। हमारी हम बहुत खुश हैं इस अवसर पर आकर, बहुत टाइम से लोगों को इंतज़ार था और आज ये सपना साकार हो गया है। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं उन्होंने की एक और ब्रांच हसगेट पे खोल दी। अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप आज ये जो अपने आप में एक प्यारेलाल हलवाई जी जिसका नामार्का है और कई सालों से देसी घी में इनका नाम है, इन्होंने हल्लू बाजार से हाँसी गेट पर आए हैं और उसका आप लोग यहाँ आए, उसके लिए पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, प्यारेलाल हलवाई जी हम कई सालों से इच्छा में थे कि भाई हाँसी गेट पर आ जाए, क्यों वहाँ थोड़ा कंजेस्टेड एरिया था, भीड़ ज़्यादा थी, उसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि भिवानी वालों के लिए ये बड़ी खुशी का मौका है और हम सब के लिए खुशी का मौका है कि यहाँ पे सभी भाइयों को इनके हाथ के स्वादिष्ट हर प्रकार के पकवान बन मिलेंगे। देखिए, बहुत पीछे जाइएगा आप, इस सब्जी के जो जन्मदाता हैं वो प्यारे लाल हलवाई जी हैं। जब किरण गुड्डी घी होया करता उस फैक्ट्री में ये लोग सब्जी बनाया करते हैं जूस वाली, हमने खाए नहीं उस टाइम, छोटे छोटे थे, लेकिन जो इसके जन्मदाता हैं वो हमारे ताऊजी प्यारेलाल जी हलवाई हैं। और इस सब्जी का आज ये दोनों भाई जगह जगह बनती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो इनकी सब्जी का टेस्ट है, जो इनकी वैरायटी है, जो इनका टेस्ट है और जो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, वो अपने पानी नहीं पड़ता, जूस घी सब कुछ देसी घी में इनकी बनती है और बहुत ही बढ़िया है। देखिए, प्यारेलाल हलवाई जी का नाम बहुत ही मशहूर है भिवानी में और आज हमें भिवानी वालों को बहुत खुशी है कि इन्होंने अपनी एक ब्रांच जो मेन रोड है भिवानी का, हार्ट ऑफ द सिटी, हाँसी रोड के नज़दीक जो बहुत ही चालू रोड है, चलता हुआ रोड है, अच्छी अच्छी गैदरिंग, अच्छी सभी कैटेगरी के सभी तरह के आदमी यहाँ पे आते हैं, अफसर ऑफिसर है, दूसरी वैरायटी के और के, तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा इनको बहुत ही सक्सेस देगा इस काम में, क्योंकि इनकी पेरेंटल लाइन है और ये चारों भाई अपने खूब जोर शोर से लगे रहते हैं और जिस प्रकार से प्योरिटी का इन्होंने वहाँ पे नाम का सिक्का बिठा रखे है आलू बाज़ार में, उस प्रकार यहाँ भी अपनी कसौटी पर ये खड़े उतरेंगे। और मैं इस आज के इस शोरूम के लिए जो इनका एक आउटलेट खोला है आलू बाज़ार के अलावा, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें और दूसरे शहरों में भी इस प्रकार के शोरूम खोलें। आपने कभी इनकी कोई मिठाई का स्वाद चखा हो विशेष रूप से, यदि आप उल्लेख करना चाहें तो आपके विचारों का स्वागत है विजय जी। देखिए, इनकी मिठाई तो लगभग सभी बहुत अच्छी हैं, विशेष तौर पे इनकी जो सब्जी बनती है आलू प्याज की, ये तो दिल्ली तक और दूर दूर तक जाती है, डेली पैसेंजर के हाथ में। मटर पनीर की जूस वाली सब्जी, हाँ मटर पनीर की खोआ उसमें, और ये बहुत अच्छी सब्जी बनाते हैं और थोड़ा सा प्रोविजन वहाँ बैठकर खाने का भी बना रखा है इन्होंने, कोई ज़रूरतमंद सब्जी का इच्छुक हो तो वहाँ बैठ के भी चपाती के साथ खा सकते हैं। बाकी इनकी इमरती है, मलाई पूड़ा है, दिल कुशार है, सभी चीज़ें एक से एक बढ़ के बनाते हैं, इनकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी है और अप टू द स्टैंडर्ड मार्क है। तो मैं समझता हूँ कि इनका ये शोरूम यहाँ पे जो खुला है ये निश्चित रूप से कामयाब होगा। हमारी यही भावना है कि अच्छी तरह शॉप चले और खूब कस्टमर अपने खूब मन से सामान लेके जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है कि खूब अच्छी तरह शॉप चलती रहे। पहले पतराम गेट पर लोग कहते थे कि अंदर पड़ता है, पतराम गेट पर थोड़ा अंदर की साइड गाड़ी आती जाती कम है, इसी वजह से हाँसी गेट पर हमने शोरूम खोला है कि कस्टमर को आने में दिक्कतबाजी कोई ना हो और अच्छी तरह सामान लेके जाए। क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि किसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं ये तो पुराना नाम है, जाना पहचाना नाम है, पूरे भारत में नाम है, खाली भिवानी नहीं है। और इस सब्जी की बात आप जो पूछ रहे हो, इस सब्जी का पूरी इंडिया में आज तक तो कोई तोड़ नहीं हुआ। बहुत हलवाई आते हैं,
कई सब्जी का मसाला हमें बता दो, हम यहाँ बनाना चाहो। वहाँ यहाँ से लोग गुवाहाटी, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली पैक करा के लेके जावे। इस सब्जी का आज तक पूरी इंडिया में कोई तोड़ नहीं ना या क्या होगा। प्यारे लाल हलवाई की जो मिठाइयाँ हैं वो विदेशों तक जाती है, खासतौर से गाजर पाक, घिया पाक, तो आप उस पर क्या कहेंगे? इनकी जो मालपूड़ा, गाजर पाक, गुलाब जामुन, दिल कुसार जो है ना जी, एक तो 15-20 दिन तक खराब नहीं होता, और लोग बम्बई से फोन कर देते मेरी सवामणी भेज दे भाई, कोई कहेगा मेरी बम्बई भेज दे, कोई कहेगा मेरी अहमदाबाद भेज दे। क्यों भेज दे? क्योंकि इनकी क्वालिटी है, ये क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते, इसीलिए इनका नाम कामयाब है। और आज भी मैं इनसे एक भगवान से ऐसा यही करूँगा कि भविष्य में ये बहुत उन्नति करें और बहुत तरक्की करें। देखिए भाई साहब, प्यारे लाल हलवाई जी की जो मिठाइयाँ हैं, हालू बाज़ार में जो शॉप है वहाँ पर हम जाते रहे हैं, बहुत हमने खाई हैं वहाँ पर मिठाइयाँ। बस तकलीफ ये होती थी कि बार बार वहाँ जाना, छोटी जगह है तो गाड़ी वजह की दिक्कत होती थी, फिर भी अब आपने ये ओपनिंग जो की है, दिस इज़ द बेस्ट, ये अच्छी ओपनिंग की है। हम हिंदुस्तान गम में दोनों ही काम करते हैं 40 साल से, और आपकी वहाँ से हम आपकी ये सब्जी वाली सब्जी हम जरूर लेके आते थे, जब भी जाते थे जूस वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, और मिठाइयाँ वगैरह सभी ली हैं हमने, बहुत अच्छी मिठाइयाँ। आज ओपनिंग है तो हम जा ही रहे थे यहाँ से, हम रुक गए, जबकि हमें लेनी नहीं थी, मगर प्यारे लाल का देख के हम यहीं पर रुक गए, तो अब स्पेशल लेके जा रहे हैं मिठाई, और आशा करते हैं कि आगे ये तरक्की करें। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की मिठाइयाँ बहुत ही अलग स्वाद है, सब बढ़िया है, और बार बार खाने का मन करता है, बाहर ले जाने का भी मन करता है, भिवानी से बाहर कि कुछ खास खिलाएं यहाँ का, तो इसकी कोई मतलब हम वो नहीं कर सकते, बहुत ही बढ़िया है। कभी आपने सब्जी का स्वाद चखा हो? गाजर पाक है, घिया पाक है या रसमलाई है? सब्जी तो हमने बहुत लोगों को यहाँ खिलाई है, और सब हैरान होते हैं कि किसी ने कभी सुनी नहीं होती कि जूस की सब्जी है। रिलेटिव्स हैं, जब हमने ये सब्जी खिलाई उनको, वो कहते हैं ये भाई ये पहली बार सब्जी सुन रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ भिवानी में ही होती है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको यू विल नॉट फाइंड इट, यहीं पर ही मिलेगी आपकी। और जब भी वो आते हैं उनको यहाँ से लाकर खिलाते हैं, वो खुश होते हैं, बहुत अच्छी लगती है। बेसन पाक और घेवर, मतलब एक एक आइटम सभी लेके जा रहे हैं, तो आशा करते हैं आते रहेंगे। मैं कह रही हूँ कि सब्जी इतनी बढ़िया होती है कि लोग खाते हुए रुकते नहीं है, दुगना खा जाते हैं। बिल्कुल डिमांड थी लोगों की, ऐसा है जी वहाँ पे क्या है कि एक तो गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी, जो बंदे जैसे मतलब आउटर वाले हैं वो वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाते थे, जाते हुए मन मारते थे कि आलू बाजार में कैसे जाए हम लोग, यहाँ पे क्या है तो खुली जगह जी, कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर लो आप, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। और हमारे मन में भी थी, हमने 80 गेट पर एक दुकान खोलनी है, एक ब्रांच हमने 80 गेट पर करनी है। माफ़ बताओ तो जैसे मतलब यहाँ पर यदि आपके श्रीमुख से आप बताना चाहें भी कोई विशेष प्रकार की मिठाई या कोई विशेष प्रकार का आइटम या इंट्रोड्यूस किया गया हो? मिठाई तो सारी वही है। अच्छा, मैं आपने बताओ जो मिठाई वहाँ बनती है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बनेगी वो बनेगी, नेचुरल बात है, जो हासिल रेट पर चलती है वो और मिठाइयाँ बनेगी, मिठाइयाँ सारी वही है टोटली। बहुत ये बहुत सालों से पुराना आलू बाजार में दुकान है इनकी, बहुत प्रसिद्ध है, इनके बाबा भी ये काम करते थे, ये पत्ते कर रहे हैं, इनकी मिठाई का मुकाबला कोई नहीं है, पूरी भिवानी में कोई नहीं है। अमन कौशिक भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल और यूट्यूब चैनल का मैं हार्दिक आभार करता हूँ कि आप एक ज़मीन से जुड़ी हुई, एक धरातल से जुड़ी हुई चीज़ पूरे प्रदेश में और देश में ये दिखाते हो। आपका पहले तो साधुवाद, और दूसरा आपका जो पर्सन है प्यारे लाल हलवाई जी का, प्यारे लाल जी का सदियों से एक नाम चला आ रहा है, भिवानी में तीन ही बड़े हलवाई हुए हैं, आपका पाला हलवाई, निंजा हलवाई, प्यारे लाल जी। तो इनकी चीज़ में जो क्वालिटी है, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ये सुनते थे कि चौधरी बंसीलाल जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, बाबू बनारसी दास जो गुप्ता जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को तो मैंने खुद देखा है, ये सिर्फ इन्हीं की जो है प्यारे लाल हलवाई की या पाला की, इन्हीं की मिठाई जो खाते थे, ये शुद्ध और अच्छी चीज़ है, इनमें की क्वालिटी है, और भिवानी शहर के बीच में आ गए, इनको बहुत बहुत ये शुभकामनाएँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका शोरूम बहुत अच्छे ढंग से ये चलेगा, और भिवानी में एक अच्छी ये पहल की, इनको बहुत बहुत साधुवाद। प्यारे लाल हलवाई ने आज से वर्षों पहले
मटर पनीर की जूस वाली बिना पानी की सब्जी का शुरुआत की थी, आपने कभी टेस्ट की हो तो उसके बारे में दो शब्द। ऐसा है अमन भाई, मैं तो जब भी खाने का मन करता है ये जब भगवान जी मेरे साथ खड़े हैं, हम तो वही रोटी और वही सब्जी, ऐसी सब्जी मेरे हिसाब से मैंने तो सबसे अच्छी लगती है घर की, ऐसी जो सब्जी लगती है। एक ये प्यारेलाल हलवाई जी की जो ये खास बात है, ये आदमी की इज्जत करते हैं और हर एक आदमी ये पसंद करता है कि हमारी इज्जत हो, इनका बोलने का चालने का इनका ढंग। ये शहर की एक हस्ती हैं और अच्छे आदमी हैं और इनकी क्वालिटी के बारे में तो कुछ है ही नहीं, सबसे बढ़िया क्वालिटी इनकी है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भिवानी शहर के बीच में आगे ये हाशी गेट तो भिवानी का चांदनी चौक है, छोटे काशी का भी बीच है और यहाँ तो एक इस चीज़ की जरूरत थी। और आज मैं तो बड़ा खुश हूँ कि प्यारे लाल हलवाई जी ने जो ये नया जो हलवाई की दुकान के लो शोरूम के लो जो बनाया है, मैं आज भी मैं मेरी हाजरी है मेरी तो आत्मा जो खुश हो गई। और फिर मेरे तो सबसे ज़्यादा ये फायदा क्या है कि मेरे पुराना बस स्टैंड कुमारान मोहल्ला, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे तो बच्चे ही क्वालिटी की चीज़ खाते हैं और कहीं कहीं रिश्तेदारी में लेके जाएंगे, कहीं भाई मुख्यमंत्री से मिलना है, सांसद से मिलना है, तो अच्छी क्वालिटी लोग ये पसंद करते हैं, उसके ऊपर नाम हो प्यारे लाल हलवाई तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड ओपनिंग की है इन्होंने और इनकी क्वालिटी तो कहना ही क्या है। आप सबको पता है भिवानी में सबसे ज़्यादा फेमस है ये, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप कोई मिठाई आपने लगता हो कि भाई ये बहुत स्वादिष्ट है या सब्जी, यदि आप बताना चाहें तो। हाँ सर, मुझे तो इनकी सबसे ज़्यादा जूस वाली सब्जी ज़्यादा फेवरेट लगती है और मुझे मिठाई तो लगभग सभी ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी, जो भी है काफ़ी टेस्टी बनती है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई जी? हाँ जी, इनके मालपुड़े पनीर के बहुत अच्छे लगते हैं, हम पनीर की सब्जी इनकी बहुत मंगाते हैं, यहाँ जो इनकी पुरानी दुकान है हम उस दुकान से बहुत लेके आते थे, बट अब उन्होंने हाँसी गेट पर किया है तो यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन भी ठीक है, तो यहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है, तो यहाँ पर हम रास्ते में रुक के भी कभी भी कुछ ले सकते हैं, वो थोड़ा सा हमें अप्रोच पड़ता था। इनकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, देसी घी में बनता है सब कुछ और मिठाइयाँ का तो इनका कहना ही क्या है, तो हम स्पेशल यही देखने के लिए कुछ लेने के लिए आए थे यहाँ पर अभी। ये ऐसा है जो प्यारेलाल जी हलवाई है, शुरू से बड़ी मेहनत की थी ने, तो एक रेड स्टार्ट की थी पतराम गेट पे ताल्लुक करके, आज इनकी जो क्वालिटी है पूरे भिवानी के अंदर, ऐसी क्वालिटियाँ भिवानी के अंदर मिठाइयों में है नहीं। आज वास्तव में एक दुकान इनकी वहाँ भी है आलू में भी, और नई ओपनिंग यहाँ करी है। मैं ये कहता हूँ कि मिठाई हर एक क्वालिटी इनकी टोटल है, जैसे सब्जी है इनकी सब्जियाँ भी विदेशों तक जाती है, और जो मिठाइयाँ हैं मिठाइयों की क्वालिटी आसपास में है ही नहीं इसके जैसी है। मैं तो कहता हूँ भाई जिस तरीके से इन्होंने प्रोग्रेस की है, भगवान सबकी ऐसी प्रोग्रेस करे और ऐसा ही काम भगवान सबके साथ करे। हाँसी गेट पर सुनने में आ रहा था कि लोगों के भिवानी वालों की डिमांड थी कि आप हाँसी गेट या मतलब ओपन में किसी ऐसी जगह पर दुकान खोले जहां आसानी से आ जा सके, क्योंकि आलू बाजार में आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था, आपने इस बारे में कुछ सुना हो तो बताएं। नहीं सुना है, ये असलियत भी है, लोगों की इस एरिए में डिमांड थी, जो कि आलू बाजार जो एरिया है जो हाई एंट्री है, मान लिया जैसे उड्डा है, सेक्टर है, 23 है और है, शहर के इधर के जो बासी हैं वो गाड़ियां लेकर वहाँ नहीं पहुँच सकते, क्योंकि वो एक बाज़ार है, भीड़ा बाज़ार है, इसलिए उनकी सबकी डिमांड थी कि एक ऐसा एरिया हो जिसमें हमारे व्हीकल भी पहुँच सके और हमको खाने की बढ़िया वैरायटी मिल सके, मिठाइयों के खाने के लिए सब्जी भी मिल सके। भाई साहब अनुभव की बात करें तो मतलब काफ़ी अरसे से हम इनसे जुड़े हुए हैं और आपने जैसे जिक्र किया भी इनकी जो जूस वाली सब्जी है वो तो लाजवाब है ही, और हमारे जो नॉर्थ एरिया में है सबसे बेस्ट सब्जी है वो समझिए, और इनकी मिठाई का तो कोई लाजवाब है उसका कहना ही नहीं है कुछ भी। आप ये मान के चलो कि अगर कोई बढ़िया चीज़ आपने खानी है, प्योर चीज़ अगर आपने खानी है, तो आप हालू बाज़ार में अपने प्यारे लाल हलवाई पर जाओ। अब यही जो सेवा जो पहले वो वहाँ दे रहे थे हलवाई की, अब वो इन्होंने ग्रैंड ओपनिंग जहाँ की है ताकि शहर के दूसरे जो सेक्टर के लोग हैं और जिनको इस बारे में पता ही नहीं था उनको भी इस चीज़ के स्वाद के बारे में पता लगेगा। और स्वाद तो क्या कह लो कि जो आलू बाज़ार में जो स्वाद के शौकीन हैं उनसे पूछिए इस चीज़ के बारे में कि प्यारेलाल हलवाई क्या चीज़ है, अपने आप में एक ब्रांड है और ना एक ब्रांड मतलब ये समझ लो कि अगर किसी ने चटपटा खाना है तो या मीठा खाना है तो उनकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता है भाई प्यारेलाल हलवाई, हमने तो वहाँ जाके ना उनसे खाना है उसी का टेस्ट करना है। बहन जी आपका कैसा अनुभव रहा?
हमारे यहाँ पे स्पेशल ओकेज़न पे इनकी सब्ज़ी मंगवाई जाती है जो कि मस्ट होती है कि हाँ भाई अगर वो सब्ज़ी नहीं आई तो कोई भी ओकेज़न पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ के गुलाब जामुन है जो मेरे बेटे को बचपन से ही पसंद है, दो चीज़ें जो स्पेशल है मेरे लिए, दैट्स इट। देखिए यहाँ पर ज़रूरत थी इनकी, वैसे तो इनका नाम बहुत ही पॉपुलर पहले से भी था, लेकिन यहाँ इनको जरूरत थी वहाँ गाड़ियों की पार्किंग की और अर्थव्यवस्था, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी वहाँ पर, और इन्होंने यहाँ शोरूम बना के सोने में सुहागा वाला काम कर दिया। और आइटम इनके इतने टॉप के हैं शहर में, क्या अपने बॉम्बे विदेशों तक अपनी मिठाई जाती है इनकी, मेरी मैं खुद कोई कोई, कोई कोई स्वीट यदि आप उसको उल्लेख करना चाहें तो किसी मिठाई का या सब्जी का कुछ भी। जूस वाली सब्जी इनकी टॉप की है, वैसे मिठाई सारी टॉप की है इनकी, कुछ भी आप ले लो इनसे, हर आइटम खा के उसका अलग ही एक स्वाद है, वो बीमारी में और कोई दे नहीं सकता। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है, और इस एरिया के लोगों के लिए तो बहुत सुविधा होगी, वहाँ अंदर जाने में थोड़ी ही दिक्कत आती थी, तो ये यहाँ पे होके दुकान बहुत बढ़िया होगा। यासी गेट पे प्यारेलाल जी हलवाई की जो दुकान खुली है बहुत ज़रूरी था, लोग शहर में जाने से मतलब दिक्कत होती थी, तो यहाँ चारों तरफ का आदमी आएगा, शोरूम चलेगा, भगवान इनको खूब तरक्की दे। आपने कोई यहाँ पर जैसे सब्जी कोई मिठाई ली हो या सब्जी का स्वाद चखा हो, मैं चाहूँगा उसका आप थोड़ा यहाँ वर्णन करें। सब्जी एक रेट की बनाते हैं, आज से नहीं कई सालों से बना रहे हैं, मिठाई में कोई कमी नहीं किसी भी तरह की, जो अपनी देसी मिठाई होती है बहुत बढ़िया है, लोग पसंद करते हैं। जी इनको पहले तो प्यारेलाल हलवाई के नाम से बहुत पुराना प्रतिष्ठान हमारे भिवानी के अंदर रहा है और बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये आज पुराने नाथमणि हल्लो बाजार से आसे गेट पे इन्होंने नई यहाँ दुकान का याद शुभारंभ किया है, इनको बहुत शुभकामनाएं बधाई देते हैं, और जिस प्रकार से पूरे भिवानी शहर को मिठाइयों का स्वाद चखवाते रहे हैं, आगे भी बेहतर इससे करेंगे ये हमारी आशाएं हैं, और इनका बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सही आज के दिन शुभकामनाएं, और इतनी शुभकामनाएं जैसे इन्होंने हल्लो बाजार में अपने प्रतिष्ठान को चलाया है, और इनकी मिठाई का जो स्पेशलिस्टी जो मालपुड़े की है और सब्जी की है और चीज़ों की है, तो इधर के लोग जो है काफ़ी रह जाते थे, वो भी जायका लेंगे, मालपुड़े का जायका लेंगे, सोन हलवा का जायका लेंगे, तो ये मान के चलो कि मुझे लगता है कि एक इस एरिया में लगा लो या भिवानी को एक अच्छा एक नया प्रतिष्ठान मिल गया। और मैं जितने भी यहाँ के जो मालिक हैं उनको सबको बधाई देता हूँ कि और ये आगे अच्छा चले। प्यारेलाल हलवाई कभी रेहड़ी लगाते थे, उनके बच्चों ने इस व्यापार को इतना ऊंचा उठाया, आज इनकी मिठाइयाँ हो, नमकीन हो, सब्जी हो, देश के हर कोने में जाती है। इस उपलब्धि पर, आपके शहर की उपलब्धि पर क्या कहेंगे विनोद जी? देखो ये तो सर्वविदित है कि मैं कहना तो मुझे चाहिए था, आपने मेरी बात को छीन लिया, मैं तो ये मानूंगा कि मैंने कई बार नोटिस किया, जैसे हम चंडीगढ़ भी कई बार जाते हैं तो वहाँ भी एक जिक्र होता है कि भाई प्यारे लाल की मिठाई लेके आना, किसी को फ़ोन कर देते हैं तो प्यारे लाल एक ब्रांड है, ये प्यारे लाल एक ब्रांड है, जब इन्होंने ग्राउंड स्तर पे मेहनत करी और इनको पता है ये खुद तैयार करवाते हैं, इनका ये नहीं है कि भाई ये लेबर से ये करवाते हैं, लेबर तो करेगी ही लेकिन वो खुद खड़े होकर उस चीज़ों को चेक करना, देखना, करवाना, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई साहब पहले तो मैं आपकी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमारी छोटी काशी में इतना बड़ा शोरूम प्यारेलाल हलवाई ने बनाया है, मैं इनको भी बधाई देता हूं, और हम काफ़ी साल से इनकी मिठाइयां लेते हैं, ये बड़े मशहूर हैं भिवानी के प्यारेलाल मिठाई के नाम से, अब इनने मेन रोड पर बढ़िया दुकान कर ली, बड़ी अच्छी बात है, मेन रोड की है और उसमें आने जाने में कस्टमर को तकलीफ़ नहीं होगी, बढ़िया मिठाइयाँ देते हैं और बढ़िया क्वालिटी है, जिस कस्टमर को यहाँ मिठाई लेनी हो बढ़िया मिठाई देते हैं और बढ़िया क्वालिटी, सबसे बड़ी बात तो क्वालिटी की है, और हमारे लिए तो गर्व की बात है, हमारी छोटी काशी भिवानी में ऐसे शोरूम खुल रहे हैं जो प्यारेलाल भंडार जी ने खोले, इनके लिए भी क्या नाम है हम बधाई देते हैं। प्यारेलाल हलवाई के यहाँ जब से मैंने देखा है, मैंने इनको सब्जी मंडी में देखा, इनके बच्चों ने, बुजुर्गों ने, प्यारेलाल जी के बच्चों ने अपने हाथ से सब्जी छाटी, जो नामुमकिन है इस बात, मंडी में जाते तो प्याज थोड़ा थोड़ा छाटते, आलू छाटते, जो क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने किया है वो कम रह रही है, जो आज अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करता है वो हमेशा जीत में रहता है, जो जितनी चीज़ बने उतनी सेल होनी चाहिए, ना ज़्यादा बनानी चाहिए ना कम बनानी चाहिए, वो इन्होंने क्वालिटी है, इन्होंने क्वालिटी को हमेशा कम मेनटेन रखा, क्वालिटी से कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसी का मेन कारण प्यारे हलवाई का ये है, जो इन्होंने ये ब्रांच खोली है,
यहाँ लोगों को बहुत आराम हो जाए। इनकी सब्जी जो इंडिया में दिल्ली में जाती है, रोहतक कहीं में रिश्तेदार आते चाहे प्यारे लाल के हलवाई की सब्जी, उनकी गिनती में लोगों ने और सब्जी बना दी, कई आदमियों ने स्टाफ बनाई, उनको उसकी वो नकल जरूर करी, उसके हिसाब से बैठ नहीं सके। उनका मेन कारण क्या है, ये जो मसाले के ले आते हैं, अपने हाथ से मसाले ले आते हैं, अपनी निगरानी में वो मसालों की पिसाई करते हैं, अपनी निगरानी में मिठाई बनाते हैं, अपनी निगरानी में सब्जी बनाते हैं। पहले शुरू शुरू में थे, खुद अपने सब्जी मंडी में जाते थे, खुद अपने हाथ से आलू सब्जी लेते थे, ये नामुमकिन। ऐसे आदमी कम होते हैं जो अपने हाथ से सब्जी भी ले सामान भी ले। ये एक ऐसी सेवा है जो अच्छी क्वालिटी देता है, अच्छा होता है। कोई भी आदमी चाहे चमार क्यों ना जूती काटने वाला हो, कि बड़ा बड़ा पार्ले वाला हो, या एनीबॉडी कोई आदमी जो क्वालिटी मेंटेन करता हुआ एक सेवा है। पैसा तो कमाना है कि कमाता है, क्वालिटी मेंटेन करना, सही चीज़ सही रेट पर देना, ये मैं समझता हूँ आज की जीवन की सेवा है। इससे बड़ी सेवा नहीं जो आप अच्छी क्वालिटी। ये प्यारेलाल हलवाई थे, प्यारेलाल जी की खुद की सब्जी बनाने का इच्छा थी, उन्होंने सब्जी मंडी में जाकर खुद अपने हाथों से सब्जी ली और हाथों अपने मसाले बनवाए, सामने मसाले कुटवाए, ताज़ा मसाले लेकर उन्होंने क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखा। उसकी वजह से आज ये ब्रांच खोले हैं, तो बहुत अच्छी ब्रांच चलेगी। उसका एक कारण यहाँ पार्किंग की जगह है, बाहर की इधर उधर के आदमी आते हैं, बच्चे जो कॉलोनियाँ बस की नया नया शहर इधर को है, तो लोगों को बड़ा आराम होता है। वो भिड़िया जाने में पार्किंग के लिए दिक्कत थी, गाड़ियाँ फंस जाती थी, तो यहाँ इन्होंने जो काम किया है वो लोगों का हित ज़्यादा है, इनका हित होना है तो लोगों का बड़ा हित। तो इस अवसर पर आप क्या शुभकामनाएँ देना चाहेंगे? मैं शुभकामना चाहता हूँ, इनका पुराना काम है और पुराना हिसाब है, इनकी बहुत उन्नति हो और भगवान ने चाहे बहुत अच्छी उन्नति हो। पहले तो क्वालिटी को कंट्रोल रखना चाहिए ना, अगर क्वालिटी को कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, चाहे मार्जिन आए ना आए, कम पैसा आए ना आए, परंतु तो क्वालिटी को कंट्रोल, कस्टमर के साथ बड़ा व्यवहार। देखो ये शहर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक इतना प्रसिद्ध प्रतिष्ठान आज शहर के बीच में है, तो इसमें शहर को एक रीढ़ की हड्डी की तरह ये मजबूती मिलेगी। लोगों को नया स्वाद, नया टेस्ट जो ढूंढ रहे थे, हर बंदा मार्केट के अंदर नहीं जा पाता था। जब इंसान को छोटे ऑटो से बड़ा एयरपोर्ट बनना होता है ना, तो उसको शहर से दूर जाना पड़ता है, भीड़ से दूर, तो ये उसी का एक कदम है। इसके बाद देख लेना आप, यहाँ हाँसी गेट की रौनक ही बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कभी कोई सब्जी या कोई मिठाई प्यारेलाल का टेस्ट किया हो और आप उसका वर्णन करना चाहें तो? मुझे याद है बचपन में हम छोटे छोटे होते थे तो पापा की उंगली पकड़ के शनिदेव के मंदिर जाते थे। उस वक्त इनके जो दादा थे या फादर थे वो रेड़ी के ऊपर लगाया करते थे। आज इन बच्चों ने मेहनत करके उसको एक प्रतिष्ठान दिया, एक मुकाम दिया, आज उसको एक बहुत बड़ा, इसको बिगेस्ट बोलते हैं ना, बिगेस्ट कर दिया ये। तो इनके तो शुरू से फैन रहे हैं, इनकी रसमलाई, इनके मतलब सब्जियां और मतलब हर चीज़ का इनका टेस्ट निराला है। गाजर बाग मतलब बहुत सारी सब्जियां हैं, पर कहते हैं कि मीठा बहुत कम है। शुगर पेशेंट होने के बावजूद भी मेरे घर वाले ये मना नहीं करते कि प्यारे हलवा की मिठाई मत खाओ, वो कहते हैं वहाँ की खा लो, वहाँ मीठा भाजी। आपने एक बार जिक्र किया था कि यदि हम औरों की सब्जी खाते हैं तो 3 दिन तक पता रहता है कि सब्जी खाई, लेकिन प्यारेलाल की सब्जी खाने के बाद अगले दिन भी पता नहीं चलता, ये आपका क्या और कैसा अनुभव रहा है? ये ऐसा होता है कि कई बार इनके पास रस ज़्यादा है, हम लोग दुकानदार हैं, हाँसी गेट से दुकान बंद करके जब गए तो सब्जी नहीं मिली तो इधर उधर से ले लेते थे हम सब्जी, तो सुबह हमें दुकान पर 10 बार महसूस होता था कि रात को हमने क्या गलती करी थी, पर इन वाले सब्जी खाने के बाद हमें फील नहीं होता कि रात को हमने सब्जी खाई भी थी। बस एक स्वाद और एक एहसास रहता है कि जब भी दोबारा कभी मौका मिले, बच्चे घर में हैं छुट्टियों के लिए, तो यार प्यारे की सब्जी तो जरूर खाएंगे यार, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। अमन भाई, सबसे पहले तो भाई विजय को मुबारकबाद है, जो हमारा ये हाँसी गेट नहीं है, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है, और यहाँ पर हमें आलू बाजार की मिठाई बड़ी अखरती थी, क्योंकि यहाँ आदर्श मिष्ठान भंडार, लक्ष्मी बीकानेर और भाई मुरली ये आलू बाजार से आए हुए थे। आज प्यारेलाल हलवाई आने से हमारा, मेरे ख्याल में 1 किलो खून बढ़ गया, क्योंकि हमारा बचपन वहीं से निकला आलू बाजार से, और बचपन से ही हम दही बड़े प्यारेलाल हलवाई जी के, माड़पूड़े दिल खुशहाल, और गाजर ये पाक बोलते हैं घिया का, और बालूशाही और मटर पनीर की सब्जी, तो हम इनके कायल हैं। और भाई साहब, इनकी जो मिठाई हैं, चाहे वो गुलाब जामुन हो, चाहे उसमें रसगुल्ला हो, और अनेकों मिठाई हैं जो दिल को सुकून देती हैं। यहाँ आने से पूरे शहर की एक अच्छी मिठाई, शुद्धता की मिठाई पूरे शहर में सेक्टर लगता है, इधर वीआईपी एरिया है, सारी मार्केट पड़ती है,
तो शहर में गाड़ियों का आना जाने में भी दिक्कत होती थी। इस चौक पे आने पे हम भाई विजय को बधाई देते हैं और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमें शुद्धता के मामले में देसी की शुद्ध घी की मिठाई, शुद्ध घी के मटर पनीर की सब्जी, इनका मैं तो मानता हूँ कि पूरे दिल्ली हरियाणा में कहीं भी इनका कोई सानी नहीं है। एक बार जिन्होंने इनकी सब्जी चख ली, मालपूड़े खा लिए, दही बड़े खा लिए, दिल खुशहाल खा लिया और अनेक मिठाई हैं वो खाने के बाद मेरे ख्याल में दूसरी दुकान पे जाना इम्पॉसिबल है। इन्हीं शब्दों के साथ भाई विजय को दिल से बधाई हो और पूरे शहरवासियों को भी खुशी होनी चाहिए कि बिना मिलावट की मिठाई, शुद्धता की मिठाई भाई प्यारे लाल हलवाई की दुकान पर आएँ और अपना खा के एक बार चेक करें, दोबारा आप अपने आप आएंगे। जय हिंद। देखो, प्यारेलाल हलवाई का नाम भिवानी में एक ब्रांडेड है और ब्रांड के नाम से जाना जाता है। आज अस्सी गेट पे देसी मिठाई, जो प्योर देसी घी की मिठाई की दुकान की जरूरत थी, न कि हमसे बंगाली मिठाइयों की जरूरत थी। आज जो मिठाई की दुकान खुली है भिवानी शहर में, अलग ही तरीके का स्वाद मिलेगा, अलग ही तरीके की क्वालिटी मिलेगी। जो क्वालिटी आज इंडिया में दूर दूर जाती है, वही क्वालिटी आज अस्सी गेट पर मिलेगी। लोग आलू बाज़ार में भीड़ के कारण नहीं जा सकते थे, ये सरकुलर रोड है। मैं तो रुक करता हूँ, भिवानी के लिए एक शान है प्यारेलाल हलवाई की दुकान, और मैं तो सभी शहरवासी कहता हूँ एक बार आए और प्यारेलाल हलवाई की मिठाई का आनंद ले। विजय भाई, आपने कभी जीवन में कोई मिठाई या सब्जी का आनंद लिया हो, मैं चाहूँगा कि आप बताएं कैसा टेस्ट था। देखो, इनका टेस्ट का मुकाबला कोई नहीं है। मैं बड़े बड़े अफसरों के जाता हूँ, चंडीगढ़ भी इशार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं डी के मित्तल जी सांसद, उनको वो जो मिठाई भिवानी की पसंद है ना प्यारेलाल हलवाई की, और भिवानी का गाजर पाक, भिवानी का मालपूड़ा और भिवानी की सब्जी लाजवाब है। जो पर खाते हैं वो एक बार भी कहते भी मिठाई और ना लेना, लेना प्यारेलाल हलवाई की लेना। ऐसा है जी, मैं तो बचपन से जो है 55 साल का हो गया हूँ, और पहले मेरे पिताजी और चाचा जी लेके जाते थे मिठाई, और मैं तो 55 साल से खा रहा हूँ, तो मुझे तो इससे ज़्यादा अच्छा जायका लगता नहीं। और थोड़ा सा अंदर भीड़ भड़ाका था, इसलिए थोड़ा सा लोग जाने में कतराते थे, और ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी है और स्वाद लाजवाब है, शायद ऐसा इंडिया में ही ना हो। आपने सब्जी का या किसी मिठाई का कभी स्वाद लिया हो, उसका कैसा स्वाद लगा, कैसा जायका लगा, विस्तार से बताना चाहें तो। जो है पनीर की सब्जी है वो लाजवाब है, कई बार खाई है मेसी रोटी और पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन और जो है घिया की बर्फी है और रसमलाई है, तो मैं अब क्या बताऊँ, सारे ही आइटम जो है एक से बढ़कर एक हैं। बाकी तो जैसे लोग लेते जाएंगे उनको पता लगता जाएगा, और ये हम तो इस टेस्ट के आदि हो गए, और बाहर जाके मिठाई अच्छी लगती ही नहीं। सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई हुए मुबारकबाद देना चाहूँगा, और ये उनकी पाइप से इनका शोर अपने दुकान हालू बाज़ार में थी, ये इस मेन रोड पे आने के बाद इनका वो चार गुना काम बढ़ेगा, और इनके यहाँ डिमांड भी काफ़ी थी आने की। आपने सुशील भाई कभी स्वाद लिया हो इनकी मिठाई का या सब्जी का, तो आपको कैसा अनुभव रहा, आप बताना चाहें तो। भाई साहब, इनकी सब्जी भिवानी में नंबर वन है, बाहर तक इनकी बम्बई कलकत्ता तक इनकी सब्जी पैक होके जाती है, गाजर पाक सीजन का पैक होके जाता है, बम्बई कलकत्ता फौरन में भी इनका गाजर पाक मिलेगा।